अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्र आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। हकीकत जान गया हूं मैं, इस आदमी ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? घटिया इंसान, आज अपने जहर का एक एक कतरा दे दो मुझे। जो दुश्मन है हमारे, मौत के घाट उतर जाए वो। अपनी मस्नुआत यहां ले आइए, आप मुनाफा अच्छा मिल सकता है। पहली बार किसी शख्स को अपना माल और दौलत किसी गुलाम की जिंदगी पर कुर्बान करते देखा है मैंने। मैंने भी बहुत से सफर किए हैं, लेकिन पहली बार किसी शख्स को अपनी तस्कीन के लिए गुलामों को मारते देखा है। तुर्कों को देखकर लगता नहीं कि हमारे सोने के सिक्के कुछ काम आएंगे, और आप इन तुर्कों को अपने जाल में फंसा नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। तुम जानती हो कि इन जैसे कितने सुरमाओं को जहन्नम वासिल कर चुका हूं मैं। लोगो, जमा हो जाओ यहां, सब मेरे पास आ जाओ, जल्दी जल्दी सब आ जाओ यहां, आकर तमाशा देखो कि मैं यहां क्या करने वाला हूं। जल्दी जल्दी आ जाओ। ये क्या हो रहा है भाई? क्या आप इस आदमी को जानते हैं? यही है वो जिसकी हमें तलाश थी। तो सोच क्या रहे हैं भाई, हमें इसे बचाना होगा। ए लोगो, इस चोर ने मेरा माल चुराने की जुर्रत की है, इबरत का निशान बना दूंगा मैं इस नामुराद को। मैं इसे सूली दे रहा हूं। कोई भी शख्स ताजिर तिरिस्तान का माल नहीं चुरा सकता। इसे मरता देखकर मुझे सुकून मिलेगा। ऐतराज तो नहीं है किसी को? ऐतराज तो नहीं है किसी को? ये इसे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसको जबान खोलने पर आमादा नहीं कर सके। ये चाहते हैं कि इसके लिए बात करूं मैं। तो क्या इसे यूं ही छोड़ दें? रात पर्दा फराहम करती है मोमिनों को, हम रात में इसे बचाएंगे। छोड़ना।
मुझे ऐसा लगता है कि अर्तुरुल हम दोनों के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। सुना है कि उसने तुम्हारी बहुत इज्जत अफजाई की है। जो भी मेरे लिए मुश्किल खड़ी करेगा वो सीधा कब्र में जाएगा सिमोना फंदी। इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं। तो फिर समझो कि वक्त आ गया है अपनी बात साबित करने का। मेरे वालिद ने मुझे बताया था कि सबसे ज्यादा मीठा जहर है जो आदम और हव्वा के दौर से किसी ने नहीं देखा। अल्लाह सुकून दे उनकी रूह को। मुझे यकीन था उनकी बात पर। उस वक्त तक मुझे ये सिया मकड़ी का जहर नहीं मिला था। ये सिया मकड़ी का जहर मेरी सरदारी को बचाएगा। चलो आज से हमारी साझेदारी की राह में आने वाली हर रुकावट को दूर करके इसे और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। आज शब अपनी सबसे पहली रुकावट तोक्तमिश को रास्ते से हटाकर इसकी शुरुआत करते हैं। तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। वैनेदिक के ताजिर यहां दो दिन के बाद पहुंच जाएंगे। माल तैयार है ना सब? हाँ हाँ तैयार है, लेकिन क्या वैनेदिक के ताजिर कीमत अदा कर पाएंगे? तुम क्या कहते हो? मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम ये सब अपने बाबा से छुप के क्यों कर रहे हो। तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरे बाबा की फिक्र क्यों है? और वैसे भी तुम अपने काम से काम रखो तो बेहतर है सिमोन साहब। भाई दुआन कब तक आएगा? जब अपना काम खत्म कर लेगा आ जाएगा। वो हचतुरियान फरमाइए भाई। आजाद करता हूं मैं तुम्हें, तुम जहां चाहो जा सकते हो। भाई भाई ये जिंदगी आपका कर्ज है भाई, कीमत अदा किए बगैर मेरे लिए जाना भाई से शर्म है। और वैसे भी जाने के लिए मेरे पास ना कोई जगह है और ना ताकत है। भाई अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके कबीले में रहकर आपकी खिदमत करना चाहता हूं भाई। और वैसे भी मैं आपका गुलाम ही तो हूं, शायद इस तरह ये ज़ईफ़ आदमी आपकी खिदमत करके आपके कर्ज का बोझ उतार सके। तुम्हारी सदाकत और वफादारी और दुआएं मेरे लिए काफी हैं अच्छा दुनिया। आज से तुम जब तक चाहो मेहमान हो मेरे, मेरे कबीले में कयाम कर सकते हो। अल्लाह आप पर अपनी रहमत नाजिल करे भाई। बेटी थोड़ी देर सो जाओ, थक गई होगी तुम। मुझे नींद नहीं आएगी वालिदा। अर्तुरुल हमें इस मुश्किल घड़ी से जरूर निकाल लेंगे जानती हूं मैं, लेकिन कबीले के लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार गए।
यूं ही चलता रहा तो इनमें से कुछ लोग हमें खैरबाद कह जाएंगे वालिदा। मैं अंदर आ सकती हूँ हलीमा सुल्तान? आ जाओ बानो जिजैक। मुझसे मिलना चाहती थी आप, कहिए। हमारे पास दुआन की अमानत है आप। लेकिन दुआन को आपकी आज की गई गुफ्तगू का मालूम हो गया तो निहायत अफसोस होगा उसे। अपनी बात पर अब भी कायम हूं मैं। दो कर्मियां गुजर चुकी हैं हलीमा सुल्तान। अर्तुरुल भाई ने उसे जिम्मेदारी देके 2 साल से भेजा हुआ है। ना वो खुद आया ना उसकी खबर आई। दुआन अब नहीं आएगा, जानती हूं मैं। बानो जिजैक, अर्तुरुल सरदार की दी गई जिम्मेदारी खत्म करके दुआन जल्द वापस आ जाएगा कबीले, तो क्या उस वक्त तुम अपने कहे गए अल्फाज पर नादिम होगी? अर्तुरुल भाई ने एक लफ्ज भी नहीं कहा इस बारे में हायमा खानम, और कहेंगे भी नहीं, क्योंकि जानती हूं मैं उन्होंने उसे ऐसे रास्ते पे भेजा जहां से वापसी नामुमकिन। बहुत हो गया, तुम्हारी जहरीली सोच से लोगों को मुतासर नहीं होने दे सकती मैं बानो जिजैक। अगर तुमने अपनी जुबान को लगाम ना दी तो याद रखना कि अपने हाथों से सजा दूंगी। आप कुछ और कहना चाहती हैं मुझसे हलीमा सुल्तान? बिल्कुल नहीं, जा सकती हो तुम। बेटी, तवील अरसे से हालात हमारे हक में नहीं, लेकिन ये मुसीबतें अच्छे वक्त का आगाज है बेटी। इंशाल्लाह वालिदा। तुम कमान को जितना खींचोगी उतना ही दूर जाएगा तीर, इसीलिए हर मुसीबत के सामने ढाल बन जाओ तुम। काई कबीले की बहादुर खातून हो तुम, और अर्थरुल की अमानत भी। तुम्हारे इन कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटी।
खुशामदीद भाई। खुशामदीद सरदार। खुशामदीद सरदार। खुशामदीद। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। खुशामदीद सरदार। अर्तुरुल भाई, हम कई दिनों से पहाड़ों में शिकार तलाश कर रहे हैं। हमने पहाड़ों को ही अपना ठिकाना बना लिया था। इन खालों को बेचकर क्या इतनी सी गंदुम मिली आपको? मजीद गंदुम भी मिलेगी कारावे, फिक्र मत करो, सब्र से काम लेना है हमें। इस मसले का हल निकालता हूँ। हम कब तक सब्र करेंगे भाई, ये सब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये कौन है? अर्तुरुल भाई ने मुझे गुलामों के बाजार से खरीद कर मेरी जान बचाई, उन सिक्कों के एवज जिनसे उन्हें गंदुम खरीदना थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन मैं चुका दूंगा इनके इस एहसान का बदला। भाई, आप मेरी वजह से मुश्किलों में घिर गए। काश आप मुझे वहीं छोड़ देते और मर जाने देते। उठो आचा तुरियान। क्या यह सच कह रहा है अर्तुरुल सरदार? क्या आपने हमारी मेहनत की कमाई से इस गुलाम को खरीदा है? अब हम मजीद सब्र नहीं कर सकते। जिहाद के लिए शुरू होने वाले इस सफर में हम बहुत परेशान हो चुके हैं और आप मजीद सब्र का कह रहे हैं हमसे। हमें अनाज चाहिए, हम और कुछ नहीं सुनेंगे। आपने क्या सोचा है हमारे लिए? हम चाहते हैं कि आप जिरगा बुलाएं अर्तुरुल सरदार। आप लोगों ने कब से रिस्क के लिए परेशान होना शुरू कर दिया? क्या परवरदिगार हमारे रिस्क का जिम्मेदार नहीं? हचा तुरियान अल्लाह का मेहमान है, वो मेहमान जो अपने साथ 10 गुना रिस्क लेकर आता है। वो एक हिस्सा खाता है और 9 छोड़ देता है। आखिर कब से आप लोगों ने अल्लाह के इस्मे आजम और रज़्ज़ाक को फरामोश कर दिया? ये जिरगे का वक्त नहीं है। हर एक को अपना फर्ज निभाना चाहिए। मैं कबीले में किसी को भी लोगों को परेशान करने और वरगलाने की इजाजत नहीं दूंगा जो इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाए हमारे। हमें पहले ही बहुत सी मुश्किलात का सामना है, मजीद के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये वक्त इंतजार का नहीं बल्कि मुत्तहिद रहने का है। गुंदुस बेटा। बाबा। मेरी जान, मेरा गुंदुस, मेरी नस्ल का अमीन। अर्तुरुल, तुम मौजज़ीन के जिरगा बुलाने की बात को कैसे मुस्तरद कर सकते हो? क्या सोच कर तुमने ऐसा किया? वालिदा। गुंदुस बेटा, शाबाश, चलो जाके अंदर खेलो।
मैं जिरगा बुलाने का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन ये लोग छोटी छोटी बातों पर जिरगा बुलाकर लोगों को परेशान करते हैं। इस बात की इजाजत मैं नहीं दे सकता वालिदा। ये बात तुम उन्हें खुद कह सकते थे जिरगे में। ऐसा रवैया सरदार को जेब नहीं देता। हाइमा खातून, मैं सरदार हूं कबीले का। मैं ही तय करूंगा कि कब जिरगा बुलाना है और कब नहीं। अर्तुरुल साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये हमारी रिवायत में शामिल नहीं। आपने कब से मेरे अहकामात पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हलीमा? क्या ये हमारी रिवायत का हिस्सा है कि सरदार के फैसले पर सवाल उठाएं? अगर मैं हूं इस कबीले का सरदार तो फैसले भी मेरे ही होंगे। इन मामलात में बेजा मुदाखलत करना मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है और ना ही ये आपकी जिम्मेदारी है। जब वक्त आएगा तो जिरगा बुलाऊंगा और बात करूंगा सबसे। यसू मसीह, ऐ शहनशाहों के शहनशाह, ऐ खुदा से हम कलाम होने वाली मुकद्दस रूह, आपने हमेशा रूहानियत से अपने पैगाम पहुंचाने वाले लोगों की मदद की है, हमेशा उनका साथ दिया है। ऐ मेरे मुकद्दस खुदावंद, इतनी कुव्वत दे मुझे कि अपने फैसलों में साबित कदम रह सकूं और इंतकाम लेकर दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचा सकूं उनके। तमिश मेरे भाई, आज शब का खाना आप मेरे साथ खाइएगा। कालीनों को फरोख्त करने के बारे में बातचीत भी हो जाएगी। इस मौसम सरमा के लिए हमें बहुत सी अशिया तैयार करनी है। जैसा आपका हुक्म सरदार, बिल्कुल ऐसा ही होगा। चौलपान खातून, आज शब हमारे मेहमान मधु हैं खाने पर। हर चीज बेहतरीन होनी चाहिए, किसी शय की कमी ना हो। जैसा आपका हुक्म बाबा। आई बुके,
तैयारियां शुरू करो जाकर। जी ठीक है चलपान खातून। सरताज क्या हुआ आपकी टांग को? बाबा सब कुछ जान चुके हैं। उराल मुझे जख्म देखने दीजिए अपना। अब कोई भी सुकून से नहीं रह पाएगा। अगर मैं खुश नहीं तो फिर किसी को भी खुश नहीं रहने दूंगा मैं। आप पहले अपने गुस्से को काबू कीजिए। लकड़ी अगर सख्त हो तो वो जल्दी टूट जाती है। हर किसी की नजरें आपकी जानिब लगी हुई हैं। बहुत मोहतात रहना होगा आपको। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। बाबा का ये सब जान लेना किसी तरह भी मुनासिब नहीं चौरपान, किसी कीमत पर भी नहीं। बाबा को ये सब बताने वाला कौन है आखिर? यकीनन तमिश के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये वक्त पूरा हो चुका है उसका। तुम्हें ये जहर तमिश के खाने में मिलाना है। उससे आज जान छुड़ा लेंगे हम अपनी। आलियार के आने से पहले तो तमिश से जान छुड़ाना होगी, वरना हमारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। हाँ, दुरुस्त कहा। इंसान का गुस्सा दरिया की तरह ताकतवर होना चाहिए। जो भी उराल साहब की सरदारी के रास्ते में रुकावट डालेगा तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो तमिश की मौत से हमारे नए दौर का आगाज होगा। तो तमिश आज आखिरी बार मेरे बाबा के दस्तरखान पर बैठकर खाना खाएगा। चलो डॉक्टर मिश साहब, बहुत बहादुरी दिखा ली। तुम्हारे अंजाम का वक्त आ गया है। तैयारी कर लो मरने की। ले जाओ ये थाल यहां से। ये सरदार की पसंद नहीं। क्या इस खाने से अपने सरदार की तवाजो करोगी? ये कुछ मुनासिब लगता है। जो हुकुम चौलपान खातून। अल्लाह आपको सलामत रखे चौलपान खातून। आपने इतनी शानदार दावत का एहतमाम किया है, खुश रहे। जो लोग हमारे कबीले की जिम्मेदारी उठाते हैं वो बेहतर से बेहतरीन के हकदार होते हैं। तो तमिश साहब
कितने खाली हैं हमारे पास। और हाल वेनेडिक के ताजिर के लिए काफी होंगे बाबा। उनमें से कोई ऐसा तो नहीं जिसके रंग या बुनाई में कोई कमी रह गई हो? बिल्कुल नहीं जनाब। और तुम्हारे खाली नस्लिहान? उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मुझे पसंद नहीं आए। रात भर खवातीन उन पर दोबारा काम करेंगी तो तैयार हो जाएंगे सब। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा कहे कि चावदार के लोग खराब माल फरोख्त करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे चौलपान खातून। आपका बहुत शुक्रिया तोक्तमिश साहब। इस बार दुश्मन हम पर भरपूर हमला करेगा। हमारे पास तैयारी का वक्त नहीं है। सीसा पिलाई दीवार बनना होगा हमें। भाई कबीले में तूफान खड़ा होने वाला है। लोगों में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं रही। लानत हो ऐसे लोगों पे अर्तुरुल भाई। जब तक इनके शिकम शेर थे तब तक सब अच्छा था और मुश्किल वक्त आते ही शिकवे शुरू करती है। कबीले के यही लोग सालों से मामला संभालते आए हैं बमसी। इन लोगों के लिए मसनूआत की अच्छी तिजारत उम्मीद का दिया रोशन कर सकती है भाई। वेनेडिक से ताजर आ रहे हैं कालीन खरीदने के लिए। हमें कबीले में मौजूद कालीनों को जमा करना होगा। अब्दुल रहमान, दुंदार, हमारे लौटने तक ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। भाई अगर आप इजाजत दें तो मैं कबीले के तमाम सरदारान से मिलना चाहता हूं, कहीं वो जिरगा रद्द करने की वजह से मुतनफिर ना हो जाएं। अच्छा ख्याल है अर्तुक भाई, आप उनकी दिलजोई करें। बहुत शुक्रिया भाई। भाई अगर सुल्तान का जासूस मर गया तो हम जिस आदमी की तलाश में हैं अगर वो ना मिला तो क्या करेंगे? कोई और रास्ता नहीं है। हमें उसे लाजमी वहां से जिंदा या मुर्दा निकालना होगा। तुर्कुत मगर उस बाजार से सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को निकालना बहुत मुश्किल होगा भाई। कैसे निकालेंगे उसे? लोमड़ियां, तुम जानते हो लोमड़ी अपना शिकार कैसे करती है दुंदार? गौर से मेरी बात सुनो। सबसे पहले हम ये करेंगे कि सुल्तान अलाउद्दीन की जानिब से भेजे गए जासूस को पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है। मैं उस सलार को जिसे सूली दी गई थी उस जासूस को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करूंगा। आपके ख्याल में इतना आसान होगा सिमोन? बिल्कुल आसान नहीं होगा ये फिलिप। मेरा ख्याल है वो इतना जहीन है कि भाप लेगा कि मैंने जाल बिछाया है उसके लिए। तो यानी जाल में छुपी है चाल? दुरुस्त। हरगिज ना भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए हम उसे हर कीमत पे जिंदा ही पकड़ेंगे। खुदावंद हमारी मदद फरमाए।
अर्तुरुल साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ हलीमा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ अगर आप इजाजत दें। कहो हलीमा, सुन रहा हूं मैं। अगर मेरी बात नागवार गुजरी तो मुझे माफ कर दीजिए आप। कबीले की खवातीन पे गुस्सा आ गया था, इसी बात की वजह से आपसे क्या कुछ कह गई, मुझसे गलती हो गई। ये इलाके आग की लपेट में है हलीमा, लेकिन अगर हम इब्राहिम की तरह अल्लाह की मदद तलब करेंगे तो ये आग हमारे लिए गुलजार बन जाएगी। याद रखना, हम सबको सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत रखना है। अल्लाह कामयाब करे आपको। अल्लाह हमें जरूर कामयाब करेगा। हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम पर भी जिम्मेदारी है जिसने तुम्हें वो सब कहने पर मजबूर किया। आज अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर जाऊंगा। अल्लाह ने चाहा तो यह शिकार सूदमंद रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सरदार, दुआ है कि कामयाबी आपका मुकद्दर हो, आपके तीर से शिकार बच ना पाए। आमीन। परेशान मत होना तुम। आखिर हम भी लोमड़ियां बन गए, हमारा दुश्मन तो ऐसे ही डर जाएगा। अब देखना यह है कि दुश्मन कब तक हमसे लड़ पाता है। जरा देखो तो भाई, कितना जच रहा है। सही बात है, लोमड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। आने तो जरा दुश्मन को सामने। बहादुर आदमी जो भी पहले उस पर जचता है बंसी भाई। शुक्रिया मेरे भाई, क्या बात कही है तुमने। बहुत शुक्रिया। तुम शादी किए बगैर बहादुर नहीं बन सकते बंसी भाई। कुनकुत भाई, प्यारे कुनकुत भाई, जरा संभल कर। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस मुंह से क्या कह रहे हो। तुलकुत भाई, सुना आपने, कैसे बदतमीज हो गए ये लोग। अब इसे समझ में आएगा कि बमसी के सामने क्या बात नहीं करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। ये खाल पहन लीजिए भाई। बहुत शुक्रिया। कहते हैं लोमड़ी को धुंध पसंद होती है। चलो मेरे जवानों, जिहाद हमारा, फतह अल्लाह की। सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस मेरे हाथ से निकल गया।
और वो अकेला भी नहीं था, उसके साथ और भी गद्दार थे जो हमारे चारों जानिब फैले हुए थे। क्या नाम लिखा है भाई? पादरी याहया। और सिमोन, अगर उसने आपका रास फाश कर दिया तो फिर? तो फिर मैं उसकी मुलाकात मौत के फरिश्ते से करवा दूंगा। अर्तुरुल भाई, अगर मुझे जरूरत के औजार और आलात मिल जाएं, तो वहां से वो सोना निकाल सकता हूं मैं।